बिहार के सारण से सांसद राजीव प्रताप रूडी के समधी और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व राज्यसभा सदस्य केसी त्यागी के बहनोई नीरज त्यागी तथा उनकी पत्नी शगुन त्यागी की सड़क हादसे में मौत हो गई। त्यागी दंपति पिछले करीब 3 वर्षों से नोएडा में रह रहे थे। वह यहाँ मनीष गुप्ता नाम की महिला के मकान में किराए पर रहते थे। 29 जून को बेटे अभिमन्यु प्रताप सिंह त्यागी की शादी राजीव प्रताप रूडी की बेटी अवश्रेया से हुई थी। शादी नोएडा के किराए वाले मकान से हुई थी। शादी के बाद बेटा पुत्रवधू के साथ हनीमून के लिए मसूरी गया था। बेटे के बुलाने पर दंपति भी बेटी आरुषि व चालक अशोक के साथ शनिवार सुबह करीब 8 बजे देहरादून जाने के लिए निकले थे। पड़ोसियों का कहना है कि दंपति के रिश्तेदार देहरादून में ही रहते हैं, इसलिए उन्होंने बेटे व पुत्रवधू को देहरादून में हनीमून के लिए जाने की सलाह दी थी। बाद में बेटे के बुलाने पर खुद भी वहां पहुंचे। हादसे के बाद से परिवार में शोक है, घर के बाहर सन्नाटा पसरा है। नोएडा के सेक्टर 40 स्थित नीरज त्यागी के घर में कोई मौजूद नहीं है। पड़ोसियों का कहना है कि उनका ज़्यादा किसी से संपर्क नहीं रहता था। घटना रात 9 बजे की बताई जा रही है। सड़क हादसे में मारे गए नीरज त्यागी केसी त्यागी के बहनोई हैं और शगुन त्यागी सगी बहन हैं। दोनों पति पत्नी गांव गए थे। शादी के बाद गांव में देवता पूजन के लिए गए थे। लौटते वक्त देर रात हादसा हुआ। नीरज त्यागी का गांव देहरादून के पास राजपुर में है। वहां से मसूरी गए थे बच्चों को छोड़ने। मसूरी से लौटते वक्त हुआ हादसा। वैसे मूल निवासी काठियाबाद के हैं, लेकिन 3 पीढ़ी पहले इनके पूर्वज राजपुर चले गए थे। प्राप्त खबरों के मुताबिक मसूरी मार्ग पर किमाड़ी गांव के पास त्यागी परिवार की इनोवा कार खाई में गिर गई। वाहन सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कैंट पुलिस SDRF मौके पर है। गाड़ी में कुल 5 लोग सवार थे। SPCT श्वेता चौबे ने बताया फोर्स मौके पर है। दोनों दंपति नवनिवाहित बेटा बहू से मिलकर लौट रहे थे। बेटा बहू हनीमून के लिए मसूरी के रिजॉर्ट में रुके हुए हैं। पूरी रात दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी खाई में पड़ी रही। सुबह फोन न लगने पर बेटे ने पुलिस को सूचना दी थी। तब पुलिस ने रास्ते में जांच की तो गाड़ी खाई में गिरी देखी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।